हम हम पहुंच पहुंच गए भाइयों तीसरे पे। तीसरे पड़ाव पड़ाव पे पे आ चुके हैं और मैं पहुंच चुक दूसरे <laughs> <laughs> उसी टी शर्ट में जैन अभी भी मौजूद है अगेन अनदर साइड की अनदर हिंट की हम सेम ही दिन शूट करते हैं और सौम्या भी एक, एक एपिसोड के ब्रेक के बाद वापस आ चुकी है और मैं सीधे आऊंगा आज के मुद्दे के ऊपर आज जिस ग्रेट इंडियन चीज की हम बात करने वाले हैं

नहीं, yeah. नहीं, तो, तो चाहता है खाना बहुत से लोग होते हैं जिनको खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा कोई तो एक दोस्त है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी खिला दो नहीं बट हाँ पीपल

एक सॉर्ट sort ऑफ of रिवायत ही बन चुकी है इस पॉडकास्ट की मैं सीधा शुरुआत में सबको बचपन में ले जाता हूँ कई बार वापस से मैं बचपन में ले जाना चाहूंगा पहला टेस्ट आपको क्या याद है कि जो आपको डिस्टिंक्टली याद है कि मैं ऐसा छोटा था तो मैंने पहली बार खाया था जैसे मुझे याद है कि एकदम बचपन की जो चीजें थी कि माँ के दूध का टेस्ट मुझे नहीं याद <laughs> किसी को भी याद <laughs> नहीं होगा यार हाँ, तो ऐसे उससे पीछे ना मेरे को जो ऐसा क्लियरली पहला याद है जब मैं बूम में था तो मेरी मम्मी क्या खाती थी हाँ तो ऐसा मुझे जैसे जो क्लियरली एक याद है कि जब मैं स्कूल जाता था तो प्लास्टिक के लंच होते थे और एल्यूमिनियम फॉइल बहुत लेट आया मेरे जीवन में तो पहले मम्मी कॉटन के कपड़े में रोटी लपेट के देती थी और साइड वाली डब्बी में एक सब्जी होती थी और सबसे इजी टू गो रेसिपी उनके लिए थी कि आलू बॉईल करके उसकी पिट्ठी बना के दे देना दे अब वो प्लास्टिक में क्योंकि ऐसा कुछ एयर टाइट भी नहीं था सिंपल प्लास्टिक की डब्बी होती थी एयर टाइट भी रबर के ढक्कन बहुत बाद में आए हाँ, तो, तो उसमें वो सारा आलू जमा होकर एक जगह पहुंच जाता था और वो ताज़ा आलू से डिफरेंट टेस्ट करता था मतलब हमें तो अच्छा ही लगता था वो तो वो आलू की पिट्ठी और रोटी का टेस्ट मुझे अच्छे से याद है और स्कूल में लगी वो एक होता था तो मेरा क्लियरली पहली टेस्ट मुझे उस चीज का याद है मुझे आप दो टेस्ट याद है एक आ, मेरे घर में कच्चे अंडे को नमक काले में डाल के फेंट के मुझे खिलाया जाता था वो टेस्ट याद है ये, ये इसका क्या कुछ सेहत से लेना देना है? हाँ प्योर प्रोटीन And fats, उसको फेटा हाँ। नमक डालते थे काला डालते थे और चम्मच फिल, से खिला देते थे अगर वैसे नहीं तो बिल्कुल करा हुआ हाँ। क्यों फिर भी पिल, 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 पिला ही रहता था चावल गर्म चावल उसमें घी शक्कर खा दो बचपन का डिस्टिंक्टली याद है दही रोटी मतलब स्कूल जाने से पहले सुबह के जा रहे हैं शक्कर उसमें रोटी और इतनी सी सब्जी से मुंह नमकीन करने के लिए दही रोटी वो एक टेस्ट है जो मुझे याद है स्कूल जाने याद हो है है <laughs> <laughs> क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया कि आपकी मम्मी आपको स्कूल से वापस ले आती थी <laughs> कि चल तेरा बनी वापस चल <laughs> यार। से पहले तो मैंने चाटा ही खाया था। <laughs> चाटे वाटे नहीं खाए भाई फालतू चीजों के टेस्ट तो दिमाग में है ही वो मीठी गोलियों वाले जो बचपन में खाते थे इमली इमली की गोलियाँ तो मील, मील, मील में मील, मील में, में मेरे दिमाग में वही आता है कि एक तो जैन ने बताया जो मीठे चावल मीठे चावल याद है मुझे और पराठे मिलते थे अचार के साथ

और फिर फिर ऐसा हो गया था कि ना एक दो बच्चों को पराठे खाने से गैस बन गई <laughs> तो फिर गैस करता है <laughs> बच्चा, बच्चा पेट पकड़ के बैठा क्लास में दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है कुछ कुछ टंकी भी करते थे तो फिर पराठे मिलने बंद हो गए थे फिर ऐसे सूखी सब्जी बन जाती थी कुछ रोटी देते ऐसा हो गया था कभी नमकीन चावल बना दिए

तो मैं चावल सूखे खाता था दाल ऊपर से पीता वो मेरी था। अभी तक बहुत भाई। अमेज़ें। अच्छा। अमेज़ें। और ऐसे अगर इसकी बात हम कर रहे हैं तो एक हम इस पे भी जा सकते हैं कि क्या क्या खाने हमारी मम्मियों ने खुद से इन्वेंट किए है मैं दो तीन चीजें जैसे डिस्कस करना चाहूंगा मेरी मम्मी की खुद की इन्वेंशन है जो तो एक तो रोटी का पराठा कैसे अगर रोटी रात की हो गई है तो उसको वापस से आगे पीछे घी लगा के और उसे पराठे की तरह सेक दिया तो इट टेस्ट बेटर, बेटर देन 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 रोटी सुबह चाय के साथ टेस्टर लगती है और पराठे से भी बेटर लगती है एक डिस्टिंग टेस्ट रोटी का पराठा और ये तो सबकी मम्मिया करती हैं कि रात की जो भी सब्जी बची है उसे आटे में मल के उसका पराठा बना दिया ये तो होता है एक मेरी मम्मी की ओरिजिनल रेसिपी है डुप्लीकेट कड़ी तो कड़ी कैसे बनती है सबको पता है

येलोड कलर मसालों के कलर वाली एक ग्रेवी बन गई और तड़के वाली दही पक गई पूरे अच्छे से फिर उसे खाओ आप तो वो डुप्लीकेट करिए ट्राई कर सकते हैं ये कहीं इंटरनेट पे आपने नहीं दही को छोड़ दें तो बहुत लेंदी है वेरी गुड कुक एंड शी हर लाइफ वाज कि लाजरी तो कानपुर में नहीं बिफोर मैरिज तो जितने भी अवध के वेरी वेल देन

यार शी बेक वन थिंग पर वो uh, एक लेयर कीमे का डालती थी एक लेयर मैगी डालती थी एक लेयर चीज एंड दैट ये फूड ब्लॉगर आइटम इवन बिफोर फूड के लाइक ब्लडी गुड ये तो आज वो इस इसकी आज वो ठेली लगा देती तो आई थिंक और ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ जो मैगी बनाती थी खाइये मैगी और ब्रेड ये दो चीजें मेरे घर पे क्या बहुत अच्छे मार्क्स ले आए तो आज आपको ब्रेड खाने को मिलेगी

हमारे नाम का होता है भाई वो तो ऐसे सारी अच्छी चीजों को बन मिला बट वो इज इट लाइक अ सैंडविच और इट्स लाइक इट्स इट वाज अ लज़ानिया ऑलमोस्ट बट उसमें वो uh, मैदे की लेयर नहीं होती थी मैगी कीमा और चावल की लेयर होती थी ऑलमोस्ट मम्मी जानिया हां सब मिला दैट मतलब सारी अच्छी चीजों का बना के एक डिश मेरी मम्मी यार बनाती है पुलाव टमाटर का सूप और रायता मतलब और कहीं मैंने टमाटर के के सूप के साथ लोगों को पुलाव खाते हुए <laughs> <laughs> मतलब हाँ हाँ हा। अच्छा। मतलब जैसे आप पुलाव के साथ क्या खाओगे दाल मखनी दाल, मकनी, दाल हाँ। सूप बनता है मेरे घर में टमाटर का एंड दैट इज अ डिश जो सिर्फ मैंने अपनी फैमिली में देखी है बनते हुए अलग अलग देखी है आप क्या यार मुझे ऐसा क्या है ना इतने सारे कुक थे बनाने वाले ऐसे नहीं कि हम बहुत अमीर वाले कुक मतलब मेरी बहनें कुकिंग कर लेती थी कुक मत बोलो करना पड़ेगा अपनी मिडिल क्लासियत को हाँ बहनें थी मम्मी तो नानी और मेरी चाची हुँ, हुँ। तो पता ही नहीं चला कि किसने क्या बना दिया तो जो मिल गया वही खा लिया लेकिन ऐसा कुछ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ सिर्फ तेरे घर बनती है बड़े ऐसे ना जो इनोवेशन होती है वो ये होती है कि सबका पेट कैसे भर दिया कैसे जारे? भर दिया जाए इनोवेटिवली हां रादर देन कि टेस्ट कैसे डेवलप हाँ, करा जाए ज्यादा इनोवेशन में मैं कहूं तो वो भी वही चीज कि सबका पेट भर जाएगा चटनी बना लेते थे कुछ ऐसे हाँ। अनोखे तरीके की प्याज की चटनी कुछ हाँ। बना दी सब्जी कर... नहीं है तो महिलाएं तो चटनी से ही खा रही हैं हां कि चटनी यूज हो जाएगी सब इससे खा लेंगे तो चटनी कह सकता हूँ कि एक बनती थी हमारे घर में अभी बनती है कई बार प्याज की बनाते बड़ी टेस्टी प्याज टमाटर की चटनी हाँ हाँ थोड़ा अलग ही होता है उसमें नहीं क्या क्या डाल के पानी आ रहा है पानी आ रहा है अगर जैसे मिर्ची का अचार है खत्म हो गया डब्बे में मसाले चिपके हैं उसमें और इमली विमली डाल के कुछ डाल के उसको मिक्सर ग्राइंडर में चला दी चटनी माई गीले हो रहे हैं सबके <laughs> 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 लेकिन इसी की मैं बात करना चाहूंगा जैसे अचार और चटनिया आई थिंक द वेरी इंडियन थिंग हाँ तो नहीं होते बाहर तो नहीं हैं। लगता है अचार अचार वो अचार अब अचार के भी तो फॉर्म होते हैं नाइट आर दे कॉल्ड पिकल्स अफकोर्स अचार नहीं तो वही होते हर देशों में चावल होता है पर आर दे चावल अरे <laughs> 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 तो बाहर मतलब पिकल का कल्चर है बाहर भी हाँ मतलब लोग आई मीन और मुझे ये मेरा पैशन है सो आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट आवर फूड हिस्ट्री हमारे जो मॉडर्न डे इंडियन फूड हिस्ट्री भी है एंड जस्ट लाइक आवर कल्चर इज इट इज अ मिक्स वेरी मिक्स कल्चर या थिंग्स दैट हैव कम फ्रॉम अब्रॉड हमने उसमें mm -hmm. कुछ ऐड ऑन mm -hmm. करा mm -hmm. है कुछ नई नई चीजें करी हैं सो so

Hmm. और ऑल्दो स्टीम करने का प्रक्रिया हिंदुस्तान में हमेशा थी वेदी hmm. के लेकिन इडली इंडोनेशिया से आई सो hmm. so, uh, इस तरह से जो ट्रेड रूट्स थे कुछ हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे, थे uh, उन सब चीजों से जब वो हिंदुस्तान से ये लेकर गए वहां पर बेचने के लिए तो उन्होंने उसका नाम रखा तमरे हिंद hmm.

तो मैं इसको जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि हर दिन एक खाने का पता चल जाता है कि ये विदेश से आया तो एक्चुअली एशियंट इंडियन फूड है क्या जो यही इस भारत की धरती पे जैसे मैंने कुछ एक बुक्स में पढ़ा है तो मीट वगैरह फ्रूट्स यही था एस सच उसमें मतलब लड्डू तक का भी मेंशन नहीं था नहीं लाइक like, सौम्या सिंह ना हाँ। कि हिंदुस्तान को जब भी आप कहते हो कि इंडिया का फूड क्या है हाँ। इंडिया का इंडिया इतना बड़ा है यार इतने फिर भी कुछ भी एक जो बट बहुत सी चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल खीर हम्म खीर पर्शिया में भी बनती थी शीर के नाम से पर वेदिक वे, वेदाओं में शीर का रेफरेंस है, खीर का है अच्छा। तो आप कह सकते हो कि भाई प्री हिस्टोरिक समय से हिंदुस्तान में खीर बन रही है सिमिलरली दाल दाल का रेफरेंस बहुत से पुराने पुराणों वगैरह में उनमें मिलता है तो दाल हिंदुस्तानी है मॉडर्न चीजों में अगर एक चीज आप सर्टिफाई कर सकते हो इंडियन इज डोसा डोसा ओडीपी में बना है वो कहीं बाहर से नहीं आया और मिडिली जिसे पीटा कहते हैं खबूस अलग अलग नाम है उसके बट रोटी सब जगह बनती आ रही थी बट अगेन अब जो हिंदुस्तान खाना है वो टेक्निकली हिंदुस्तान का ही है और ऐसा कही नहीं है तंदूर और तंदूर और तंदूर एक और चीज जो बहुत इंडियन मुझे तो लगती है ऐसा मैं या तो मैं बाहर ढूंढ नहीं पाता हूँ या जो भी है कि स्नैक्स की जो वैरायटी है इंडिया में वो इसकी जोग्राफी से ही ऑफकोर्स आती है कि साउथ का कुछ ईस्ट का कुछ वेस्ट का कुछ जैसे गुजरात नमकीने बहुत है आई कांट गेट ओवर इट स्नैक्स यस तो स्नैक्स की जो वैरायटी है ये तो इंडिया में है अभी अचारों की तरह विदेश में भी है मैं इस पर तो प्राउड फील करूं कि ना करूं वैरायटी तो किसी भी खाने की जो हिंदुस्तान में है हाँ, वो तो कहीं नहीं है नहीं स्नैक्स तो मुझे स्पेसिफिकली लगता स्पेसिफिकली स्नैक्स हाँ, स्पेसिफिकली नहीं स्नैक्स, स्नैक्स है इंडिया में एक तो हमने बाहर वाले इंडियनाइज कर दिए सारे हाँ, जैसे मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में डोसा का कोई वर्जन मिलता होगा लेकिन हम हाँ, अलग ही है वो अलग ही है मीठे डोसे हैं वो तो क्या है मतलब I think नमक, पारे थे, नमक पारे नमक थे नमक पारे बोलते हैं हमारे यहाँ तो इतने लोग होते थे आपका हमें तो चटनी मिली हमें हमें नमक पारे तभी मिलते जब शादी होती है घर के अंदर तो सात शादियां तो हुई है सात बार नमक पारे पा रहे उसमें माने सिर्फ चटनी खाई है अरे

और मतलब वो उनकी पूरा प्रॉपर वही जर्नी है साइकिल पे बेचते थे उनका जो एक मतलब रिलेटिव है वो मेरे साथ क्रिकेट भी खेल आप आप अच्छा। हमारे क्लब की जर्सी का स्पोंसर है आदर्श और हम ले और हम सब इतने मोटे पेट लेके जाते हैं क्रिकेट खेलने तो हमारा भी वो लगता है मसल ब्लेस हम पे अच्छा नहीं लगेगा फिट टीम होनी चाहिए बट यस वो नेक्स्ट लेवल चीज है

स्ट्रीट फूड आपको ऐसे बचपन का टेस्ट याद है कि मैं मेले में जाता था तो ये खाता था रामलीला देखने जाता था तो ये खाता था नॉट जस्ट स्ट्रीट फूड मतलब कोई ऐसा कुछ भी नहीं खाया कुछ भी कुछ आज बोला कुछ भी मुझे लगता है कि अब ना शहतूत नहीं मिलते पता ही नहीं तुझे नहीं कहते हैं

इमली नहीं नहीं एक शकरकंदी का ठेला नहीं होता हाँ, उसके पास एक हरा हरा सा आ, वो रखा होता है अमरक 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 कहते हैं अमरक कहते हैं वो और बड़ा खट्टा सा उसको बड़ा वो करके ना मसाला सा बना के मिलता था पहले वो अभी मिलता है अब भी मिलता है बहुत कम मिलता है और शैतुजने का शैतूत जहने का क्योंकि मैंने बहुत शैतूत तोड़ के खाए और अब वो सच में नहीं मिलते अब जैन ने बोला कि वो दि मेरे दिमाग में अब मुझे भी लगा कि वो सच में नहीं मिलते जनरेशन मतलब इमेजिन लाइक नहीं मिलते जब और वो सच वाकई बहुत टेस्टी होते हैं कि मतलब ऐसे कि ऐसे खाएं जैन आपने भी खाए होंगे कि जमीन से उठा के खा लिया ऐसे साफ करा पेड़ हिलाया दो चार पांच गिरे साफ करा खा लिया तो मैं जब तक नौकरी करता था मैं जाके जाकर तो खाता था अरे मुझे बड़ा दुख होता है, है कि जामुन देखता क्या है सड़क पर बिखरे होते हैं तो मुझे ये दुख होता है से उठा खा लो पेड़ो जो बेचारे बेच रहे मेरा ऐसा बचना मुझे तो ठेले वाली चौमिन जैसी जो होती है कोई अभी जो चाइनीज नूडल्स बना रहे हैं वो नहीं ये नहीं कुछ नहीं एक जो ठेले वाला काला सिरका डाल काला काला सिरका जो वो डाल देता हर खा रहे जो वो ले आता था मजा वो मजा कोई नहीं ला पाता था भाई कोई अच्छा। नहीं ला पा रहा है किसी मतलब बचपन में मेरे को नहीं पता था कि हाका नूडल्स क्या होती है के तो चिली गार्लिक क्या होती है सिर्फ चाउमीन तो एक, एक चौमें पता, चौमें पता था, था। कि ठेले पे जो मिलती है और शादियों में भी वही मिलती थी हाँ। वो चाउमीन इतनी है और अब वो तेजी से घटते जा रहे हैं चौमीन सिर्फ चाउमीन वाला सिर्फ चाउमीन लगाता था और वो कढ़ाई में भाई ऐसे ऐसे करके दो पलटे वो पलटे मैंने पहली बार देखे की वो सिर्फ चाउमीन वाला यूज करता था बड़े लॉन्ग हैंडल वाले और ऐसे एक चीज और जो बहुत कम हो गई गुप्ता जी के बर्गर

उनकी एक टमाटर सॉस की बोतल होती बोत <laughs> तो <laughs> एक, एक तो है जो अभी आजकल बहुत चल गई है मुझे नहीं मैंने कभी खा के देखी और मेरी खाने की हिम्मत भी नहीं बट आज फूड पे बात हो रही मुझे तो कैसा टेस्ट करती है क्या होती है अरे जिसके नाम पे साला सिंगर भी है मार्श

स्कूलों के बाहर की वो धनिया की चटनी होती है तुमने देखा हाँ। हम लोग बोलते हैं हाँ। हाँ। हम लोग भी वो ऐसे कुछ बोलते थे आलू का कुछ समथिंग बोलते थे मैं गुजरात और बिहार के बीच में से शफल हाँ। हो रही सो तो उसमें बॉयल्ड आलू होते थे कचालू बोलते हैं हमारे कचालू अभी ग्रेवी में डूबे हुए लपेटे हुए ग्रेवी में और बॉयल्ड आलू बॉयल्ड आलू और मिक्सचर वो भाई इतनी जहर ग्रेवी होती थी ना वो वो ग्रेवी खा के गला उसके लिए भाई मैंने पैसे चोरी हो रही <laughs> <laughs> फीस के सौ और मुझे याद आई जो अब उन्हें एक चीज और मुझे याद आई जो अब नहीं मिलती है जलजीरे के मटके होते थे बड़े वाले और उसके पास एक कांची वड़ा कहते थे बहुत कम हो गया बहुत कम हो गया मिलता है कांजी वड़ा कांजी वड़ा तो गायब होता जा रहा है

लो हाथ गंदे होते हैं ना लोगों के हाँ। और अगर हाईजीन के हो गए लोग अरे हाँ। कि अब सड़क पे कोई बेच रहा है भाई चीज सड़क पे बिकती है और वही टेस्टी मिलती है हाँ। अरे सड़क पे थोड़ी खाएंगे और वही चीज साले जाके मॉल में खाएंगे मैं इसी के लिए अभी भी एक शाउट आउट देना चाहूंगा एक स्ट्रीट है नवयुग मार्केट गाजियाबाद में वहाँ पे अभी भी ये सब मिलता है के वहां वहां मिलते हैं मतलब जाके आपको लगता है कि अभी भी आप 2003-4 में बस आपका स्मार्टफोन आ गया आ, वो जो स्मार्ट स्ट्रीट है उसके जो मालिक है जो पैसा <laughs> अरे मैं नहीं जानता कौन है मैं नहीं जानता कौन है, <laughs> <जान्ता> कौन है। <laughs> बिहार में मैं जहाँ से हूँ वहाँ गोलगप्पे तो हर दूसरे जैसे यहाँ मोमोज मिलते हैं वहाँ हर दो कदम पे गोलगप्पे मिलते हैं ठीक है फुचका बोलते हैं हम लोग और घर आकर के खिलाता है ये वो

यहीं का खाना सबसे बेस्ट मिला है मैंने महाराष्ट्र में भी खाना खाया है राजस्थान में खाया था क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा मसाले थे तो मुझे लगा कि यार अपने थोड़े कम मसाले ठीक है मुझे तो अपना ही दिल्ली वाला ही खाना ज्यादा अच्छा मैं भी इस ये तो एटलीस्ट फिर भी हम जैसे हम जो, जो भी थोड़ा बहुत साथ घूमे ये तो फिर भी एक्सपेरिमेंटल है हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं है तो इसको तो वही खिचड़ी खाता बट खाऊंगा अपना ही मैं तो तो मतलब मेरा फेवरेट तो बिल्कुल वही है इधर वाला

पत्ता डालो थोड़ा सा राई डाल दो hmm. और उड़द चना Actually, डाल कुछ जलती जो है 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 उपमा से आती है, जो से मुझे आती है। मुझे इसमें लाती नहीं क्योंकि मेरे को साइनस की दिक्कत है पर मैं महसूस करवा रहा हूँ जो <laughs> आप कह रहे हो ना <laughs> so, वो पता नहीं है वो आई थिंक तमिल कुजीन एंड कोर्स माई होम विच इज एसेंशियली अवधि कुजीन लगता है वो अपनी कजिन से वो इसलिए रिलेटेबल है जैसे सौम्या का बिहारी कजिन से सबसे ज्यादा टाइम वो खाया सबसे ज्यादा टाइम वो खाया दैट इज कंफर्ट फूड हां दैट इज कंफर्ट फूड अब पश्चिमी उत्तर प्रदेशी इस मामले के फिर आगे यहां जो भी चलता है और एक जैसे ये भी मेरे एक शुभम का तो आलू की सब्जी और पूरी पूरी आलू भी अगर मैं एक रिकमेंड कर दोस्तों <laughs> तो, तो, मलकागंज can... में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, में दारू के ठेके के सामने दो पूरी पूरी सब्जी वाले खड़े होते हैं रेड़िया तो, है रेड़िया है किसी की भी खा लो और उसके बाद एक हॉर्लिक्स का पाउच ले लेना मीठे के लिए <laughs> या फिर गाइस आप अपने घर के सामने भंडारे का इंतजार कर सकते हैं अलग से बात करेंगे अलग से बात करेंगे मटर की पूरी अंदर मटर डालते ना भर के पूरी और आलू टमाटर की सब्जी पूरी के भर के

ढंग से मतलब ये यही पास्ता वास्ता बनाना सीखता है इंसान इफ दैट इज अलाउड आल्सो क्योंकि उसमें कुछ खास कुकिंग है नहीं ठीक सो तेरा मुझे दो चीजें एक तो हमारे यहां कढ़ी उतनी बनती नहीं कढ़ी इज अ वेरी पंजाबी थिंग बट आई लव मेकिंग कढ़ी और मैंने उसको पकोड़े को रिप्लेस कर दिया प्याज और पालक के पकौड़ो से ना वो, वो किसी के भी हो सकते हैं हाँ, तो दिये वो मुझे अच्छा लगता है और सेकंड बैंगन बैंगन का भरता दिल्ली में लोग बॉईल कर देते हैं बैंगन को के गैस रख ना अमेजिंग पकाना क्या पसंद है पकाना कुछ पसंद नहीं है मुझे मेरे को जाए हाँ। ये तो मुझे इससे मतलब कभी दूर से भी नहीं ये कहीं कुछ बोल ले मैं रसोई में घुसा होऊंगा तो लेने के लिए से। हाँ। लाइटर चलाना आता है यार मैंने बताया ना हाँ। कुक मैं कुक मेरे मेरे कुक कुक तो मेरे घर में सुख थे

नहीं हमने यहाँ को में ये जितनी भी ये जो है आजकल चल गई श्याम मुरादाबादी नहीं श्यारादाबादी <laughs> तो अच्छी है खराब तो ये वाली है जो आजकल मैं नाम नहीं लेना चाहूँ ब्रांडेड वाली जो होती है बड़े बड़े ब्रांड आ गए है जो जो मटके पे ध्यान लाइन बहुत महंगी हाँ महंगी है और बेकार खर्चा कर रहा है उससे अच्छा वो है जो छोटी दुकान में बाहर बड़े देख लगा के बेचते है एक मुरादाबादी का देख होता है एक हैदराबादी का होता है दोनों अच्छी होती है

फिर एक दिन मैंने खाया। तो तो यार मम्मी <laughs> मैं से नॉन वेजिटेरियन सिक्स या से उससे पहले बारहवीं के अराउंड मैंने चख लिया था और अंडे मैं खा लेता था बचपन से तो ऐसा अंडा अंडा तो तुम तो तो अभी भी खाता हो ना अभी भी खाता अगर 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 हूँ <laughs> तो नहीं, 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 एक बार ये मुझे ले जा चुका चांदी चौक बढ़िया भा� था कि नहीं चाँनी चौक वाला भी बढ़िया था और एक जो हमने द्वारका साइड खाया गया राजू नहीं राजू 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 नहीं पिज़्ज़ा था, भाई, भाई, वो बहुत टेस्टी था। से था। 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 तो अलग से था। करेंगे हम बट एक जैन जैसे मेरे दोस्त ने एक बार एक बात बोली थी इस पर मैं सबकी राय जानना चाहूंगा उसने ये बोला कि जैसे ये जो लोग बोलते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना ये भी स्कैम है क्योंकि हम बचपन में अब तक से स्कूल नहीं जाते या yes, स्कूल cool जाने में भी दूसरे के टिफिन से लेके खाना में टाइम लग जाता है थोड़े आप बड़े होते हो तब कंफर्टेबल होते हो तब तक ना आप माँ के हाथ का खाना ही खा रहे हो तीन सौ दिन साल में कम से कम बाहर जाओगे भी तो पचास दिन चले जाओगे मैक्सिमम मील्स आप के हाथ खा रहे हो तो आपका एक्वायर्ड टेस्ट बन जाता है इसलिए आपको अच्छा लगता है सबकी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती है ये तो दूसरा वाला इंसान खा के बताएगा ना यार तेरी माँ के हाथ का भी खाना अच्छा है तो ये जो पूरी चीज है कि बहुत लोगों की माँ जो खराब कुक भी होती है माँ के हाथ का खाना इज नॉट अबाउट फूड इट्स अबाउट अ फीलिंग वो ज्यादा थोड़ा फीलिंग्स पे चला हाँ। गया अब तो उसकी पूरी खत्म हो गई इसको जितना रैशनलाइज करना चाह रहा था करो करो रैशनलाइज नहीं बट तो। ये पॉइंट तो है यार हाँ। ये मतलब लाइक like, माँ की कुकिंग आपको लगता है कि हाँ आपने बचपन से वही खाया है तो आपके टेस्ट बर्ड्स डेवलप्ड है उसके लिए बट आई ऑल्सो अग्री कुछ माया बहुत बुरा खाना बनाती मतलब मेरे and a, and a हाँ, हाँ, मेरे एक दो दोस्त है जो कहते हैं अच्छा नहीं बनाती एंड हाँ। प्रोबली मेरे बच्चे भी यही बोलेंगे बट हाँ। uh, वो वही होता है आप लारी जब अक्वायर कर लेते हो टेस्ट सो इट बिकम्स अमली फीलिंग लाइक

कुछ भी जो आपको कहना हो कि ये, ये एकदम ट्रेडिशनल मिठाई में, में, में दो फेवरेट है वो एक है बेसन की बर्फी हुँ. और एक है गुजिया जिसको हम पिराकड़ी बोलते हैं और ये साल में हमेशा बनती भी नहीं दिवाली पे बनती है दिवाली होली जो सबसे कॉमन चीज है मैं तो डरा होता है चॉकलेट चौकू मोज

म, और मेरी माँ अच्छा बनाती थी, थी वो शाही टुकड़ा मतलब ऐसी एक 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 मिठाई जो मेरे को नॉर्मली हर जगह नहीं मिलती मेरा इधर साइड है वहां पे मिलती है खोए की मिठाई बनती है ऐसे बर्फी जैसी मुझे उसका नाम नहीं पता कि वहां पे उसे क्या कहा जाता है लेकिन ऐसा प्योर खोए की फील आता है उस पर बहुत टेस्टी होती बर्फी। है बर्फी होती है लेकिन खोए का पेड़ा होता है थोड़ा उसका साइज अलग होता है थोड़ा ऐसा ऐसा होता है

शादी वादी में वो और <laughs> मैं और शादी को जजीज में करता हूँ रसमलाई है अच्छी है फिर स्वारी तो फिर तो मैं हलवा हलवा नहीं इतना मूंगदाल इतना पसंद नहीं रहे हैं <laughs> नहीं मुझे भी लगता <laughs> है कि हलवे सारे स्कैम है हाँ, में कुछ नहीं रखा है बेसिक एस, बेसिक आ, है हाँ, है हाँ मतलब मैं भी बेसिक है हलवा इज नॉट बेसिक प्लीज बेसिक है स्टफ गरीब हुआ है बेगन हुआ बस मतलब देखो भाई कितनी मेहनत से बनती जलेबी हां दिस पॉडकास्ट से यूननिमसली वो क्या पास होता है सड़क में बिल पास होता है कि हलवे सारे <laughs> <ओवर आएपने laughs> हलवे कल बनने बंद बन हो जाए दुनिया मुझे फर्क नहीं पड़ता हलवा बहुत ही हलवा चीज है जो भी हलवा हाँ ठीक हाँ। 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 है अपनी मिठाई रिकमेंडेशन तो मैं मिठाई की तीन मिठाई मिठाई अच्छी बताएगा खीर तो आपने बताई दी खीर मेरी है घेवर का मैं बहुत शौकी हूँ जब भी मेरा वजन बढ़ता है मेरा एक दोस्त नीचे कमेंट करता है घेवर डाइट पे पे लग रहे हो <laughs> शुभम शूट मंगाता है घेवर घेवर हाँ। बिल्कुल घेवर बहुत जबरदस्त चीज है और घेवर को शायद ये भी कि साल में एक महीने के लिए उपलब्ध होता है हाँ। हाँ। बारिशों में हाँ। तो वो भी उसे थोड़ा स्पेशल बना देता है घेवर मुझे बहुत पसंद है छहने की सारी मिठाया मैं बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा रबड़ी रबड़ी जलेबी ठीक है नॉट मेरी गो टू मिठाई डोडा बर्फी मैं बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा और पेड़े बहुत अच्छे होते हैं पेड़े भी अच्छे होते हैं नाबीआउ जलेबी जलेबी का पहले जैसे था जलेबी को हमारे चाइल्डहुड में तो संडे ब्रंच की तरह ट्रीट किया जाता था कि संडे को आप लाए गर्मा गर्म और जलेबी थोड़ी वैसी मिठाई भी है ना कि ताजा ताजा ही खानी पड़ेगी बाकी मिठाइयों के साथ आप ढोकला जलेबी फॉर ब्रेकफास्ट अलग अलग ना दूध जलेबी दूध जलेबी वो शादी में एंड उससे करते हैं काफी लोग अब मैं अगले टॉपिक जिसपे आप घंटों बाद भंडारा गणेश हाँ, चतुर्थी होता तो हो तो मतलब मुझे नहीं चतुर्थी फिल्मों में जितना गणेश चतुर्थी मर्डर होते हैं मर्डर होते हैं नहीं नहीं गणेश चतुर्थी देखा नहीं क्या होता है गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी को जो मर्द देर से घर लौट रहा है वो लौट रही है उसकी ही आएगी फिर। और जितनी हमने गणेश चतुर्थी के जो भी विजरा देखे उसमें कभी प्रसाद वितरण भंडारे वाले टाइप का नहीं देखा हम जानना चाहता था भूख का प्रसाद वितरण होता है बट भंडारे की जो बात है काली कढ़ाई की सब्जी एक तो मुझे लगता है काली लोहे की कढ़ाई में सबसे टेस्टी सब्जी बनती है एक तो वो है क्या हलवाइयों का और उसके बाद मैं और राजेश तो आज भी बस रोक के लाइनों में लग के हमने भंडारे लिए हैं और उसका जो स्वाद है ना अनमेस्ड अनियंसाराए हैं मैंने बांटा है, है, है खाए हैं खाए है। मैं भंडारे में कभी भी एक खौफ से नहीं घुसता की मेरी जेब कट जाएगी मेरा फोन घुम जाए कुछ नहीं वो चार पूरी के लिए मेरी जान भी चली जाए सूरत में।, में भंडारे नहीं होते हाँ खा तो लो खाओ अब तुम में खाए नहीं भंडारे तो I agree कि वो भंडारे हाँ। में जो खाना मिलता है सब्जी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों जैसे अगर शिव जी का त्यौहार है तो खीर कर देंगे और अगर नवरात्र का भंडारा है तो हलवा कर देंगे इस तरीके का होता है साई बाबा का कुछ है तो कड़ी चावल दे देते में दाल मिक्स चावल किसी चीज के साथ ज्यादा चलते हैं बट भंडारे में कुछ भी हो खिचड़ी आप घर पे ना खाओ भंडारे की खिचड़ी साई तो उस... तो मतलब तो बाबा के मंदिर में <laughs> 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 अच्छा जैन इस चीज में मैं पूछना चाहता हूँ आपसे जैसे हमारे कल्चर में क्या होता है की मरने के बाद भी खिलाया जाता है तेरवी वगैरह होती है विदेशों में भी ऐसा होता है क्या भूखे क्रिश्चियन

हैवी डिनर यस सुबह मत खाओ इंडिया डिनर नहीं होता इंडिया में तीनों मील हैवी होती है कि रात को तो अच्छा खाओ भर के खाओ हाँ हम लोग क्या वैसे भी जैसे अगर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट भी देख लो इडली को छोड़ दिया जाए सब छोड़ पराठे खाते हैं छोले भटूरे खाते हैं आलू पूरी खाते हैं ठीक है हमारा एक जो लाइटर मील होता है वो लंच होता है

सबसे अनहेल्दी प्रैक्टिस जो हम सब फॉलो कर रहे वो होता भी इतना है, भी ना कि भाई एनर्जी है कुछ करने की अभी अगर मैं और अगर, अगर एनर्जी बच जाती है तो उसकी मिठाई खा लेते स्पेशल बनेगा अगर वर्किंग डे पे तो वो डिनर में बन चीज वो है दूसरा मान लो रोटी सब्जी बनी है दोपहर के चावल बच गए तो मेरे घर में क्या होता है उसका जीरा राइस बना दिया फ्राइड कर दिया

डोसा बनाने लगे डोसा चावल और दाल का ही होना चाहिए डोसा उड़द की दाल और चावल का आ, ही होता है, है, है बाकी सब आप उसको पहन के जो भी क्रेप वगैरह बोल लो आई थिंक डोसा के दाल एक्सपेरिमेंट एक जो मुझे पसंद आता है वो ये जो मिठाइयों कॉन्फ्लुएंस बनने लगा है कि एटलीस्ट जैसे मेरी बहुत सी फैमिली आगरा में रहती है

सो आई थिंक जो मिठाई के साथ इनोवेशन इंडिया में हो रही है hmm. वो बहुत इंटरेस्टिंग शुभम सड्यूस हो रहा है सुनकर भाई कभी कभी आगरा जाओ सर्दियों में हम हो चुके हैं निकल हूं, मैं आगरा सर्दियों में मक्खन पेड़ा <laughs> या लखनऊ में मक्खन समोसा व्हाट आई एब्सोल्युटली हेट इज चीज और ये चॉकलेट डालना हर दूसरे डिश में hmm. आपने गोलगप्पे में चीज डाल दिया hmm. Hmm. या फिर पुलाव के साथ चावल की hmm. कोई डिश के साथ चीज, hmm. चीज दे दिया hmm. या डोसा के साथ तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चीज चीज पाव भाजी बट वॉट आई लाइक इज चाइनीज में जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है आपने चाइनीज इडली बनती है या फिर ऐसा yeah, मतलब लगता टेस्ट होता है बट चीज और मत डाला करो यारम फ्रॉम बॉम्बे शेजवान भी बहुत कर दिया शेजवान 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 हर चीज में जब तक वो चौमिन वही सड़क में मिलती थी ना बढ़िया थी उसमें कुछ नहीं डालता था अब वो शेजवान वो हर सब्जी में डालने लग गया है

अंडे के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं देसी ये खान स्पेशल ऑमलेट एक है राजू राजीव भाई का द्वारका में और और एक गांधी ऑमलेट है नवयुग मार्केट में गाजियाबाद वो जो ऑमलेट के साथ कर रहे हैं उनसे थोड़ा आगे आप जाएंगे तो दो भाई है उनका नाम अरे भाई खाना बताना है अंडे नहीं बताना है। अंडे अंडे की डिश के साथ जितने भी देसी देसी वाले उसमें ना अंडे उसके ऑमलेट के साथ ना खिलवाड़ भी बहुत हो रहे हैं यार मैं खिलवाड़ वाले पे जा रहा हूँ मैं ये जो मैं बता रहा हूँ आप तो गांधीनगर जाए गांधी ऑमलेट पे जाए

शेफ विकास खंडा का हर एक टेस्ट के लिए मेयो है ना हमारे पास तो उन्होंने डेल मोन्टे ने किसी ने डोसा मेयो ऐसे खाने की फ्लेवर वाली मेयो निकाली प्लेस करने की कोशिश कर रहा था हरे धनिया और पुदीने की घर की बनी चटनी से ऊपर कोई चटनी नहीं मेयो बहुत

सात आठ के दौरान सही पकड़ लिया था क्योंकि मेरे को याद है मेरा दोस्त था जो प्रॉपर ये प्लानिंग कर रहा था पैन बैठ के कि मोमोज की फैक्ट्री लगाऊंगा हाँ। कोई मशीन आती है मोमोज हाँ। बनाने की और वो लूंगा फिर उससे देख इतना हो जाएगा इतना बता पार्टनर बनेगा <laughs> तो तो ये दो हजार द, नौ या दस में दस में करा था शायद वो तब हो गया था तब, तब हो गया था कि मोमोज सेंट्रिक हाँ। था ये जो अभी टीय टू टाउन पहुंच गए इंटरनेट क्योंकि मैं गाँव जाता था तो मुझे वहाँ ना चौमिन मिलती थी ना मोमोज मिलते थे इट स्टार्टेड फ्रॉम डेली

रमजान में बहुत पॉपुलर हो जाएगा लखनऊ की नारी काफी डिफरेंट होती है। बिरयानी बताओ चाहिए दिल्ली दिल्ली में। दिल्ली में, की? दिल्ली में बाहर बाहर की? तो आई थिंक मुझे लगता है सबसे अच्छी बिरयानी लखनऊ की लाला है अलग अलग जगह है आसपास हलवा और मूंग दाल मूंग दाल भी बहुत वर्स्ट दाल Oh, Honestly, I find even Shut हो. up। और no, इसे no. इस चीज पे नहीं बोल लेगा I promise, इस चीज पे, पे नहीं बोल लेगा यार वही बात है कि मैंने बचपन से नहीं खाई कड़ी हाँ, तो हमारे यहाँ जो कंफर्ट फूड है वो मेरे यहाँ का कंफर्ट फूड अरहर की दाल है अरे तो भाई मेरा ओपिनियन है ना यार म, मुझे तो साग भी ओवर लगता है लेकिन वही है कि वो बचपन से बनाता है वो सरसों की रोटी सरसों का साग मक्के की रोटी अच्छा साग जैसे मुझे घर वाले कर देते हैं लेकिन सरसों का उन्होंने एक दिन हमें भिजवाया तो उनके हाथ का खा के तो लगा की हाँ मक्की उसके अलावा मैंने जितने खाए तो मैं है मुझे ओवर हाइट में स्ट्रीट फूड बताऊंगी घर का कोई भी खाना ओवर बता दो जल्दी और खत्म कर पराठे वाली गली चांदी कल बंद हो जाए सही बात, सही कल बात हो जाए तो गंदा है कल से एक ना कचौरी